देता हूँ सेशन, क्योंकि बिकॉज कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिकॉर्डिंग से रिलेटेड जो है वो कहा था, ठीक है। अच्छा, सेलर सेंट्रल कुछ इस तरह का होता है, और आप लोग ये देख रहे होंगे कि अमेजोन सेलर सेंट्रल यूजली हम लोग किस लिए यूज कर रहे होते हैं, बिकॉज आप कोई भी, अगर आपके पास एक दुकान है, आप अपनी कराची में बात कर लें, पाकिस्तान के किसी भी सिटी में बात कर लें, अगर फिजिकल एक दुकान आपको चाहिए तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए कोई ना कोई स्पेस चाहिए, कोई ना कोई लोकेशन चाहिए जहाँ पे आप उस सामान को रखें, उसको जो है वो डिफरेंट लोगों को दिखाएं, एंड देन लोग जो है वो आके वहां से परचेज कर सके। सिमिलरली सेलर सेंट्रल मतलब ऑनलाइन भी आपको एक दुकान बनानी पड़ती है, आपको एक दुकान प्रॉपरली मैनेज करनी पड़ती है, दिस इज जस्ट लाइक अ शॉप, ठीक है। तो आपको है ना सारी चीजों को यहाँ पे देखना पड़ता है। अच्छा, दराज भी सिमिलर है अमेजोन की, तो दराज में भी इवन जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट्स लगाते हैं, तो हर किसी के पास जो भी उस पर काम कर रहा होता है सेलर, उसके पास एक स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, अमेजोन सेलर सेंट्रल में अगर मैं बात करूँ, मैं इसको जरा एक स्टोर लॉग इन कर लेता हूँ, जस्ट आपको लोगों को मैनेजमेंट थोड़ी सी किस तरह से मैनेज करना है वो दिखाने के लिए। तो उसके बाद फिर आप लोग के जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग रेस आप लोग रेस कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इसी अकाउंट में जो है वो हम लोग होपफुली अभी कमिंग जो भी सेशन होंगे उसमें प्रोडक्ट लाइव करना सीखेंगे और प्रोडक्ट ऑर्डर करना भी सीखेंगे। बट उससे पहले आप लोग को एटलीस्ट स्टोर की मैनेजमेंट आनी चाहिए, ताकि ये है कि जब हम प्रॉपरली एक प्रोडक्ट लाइव होने की साइकिल से गुजरेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग को एक एक चीज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली किस तरह से ये सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो मैं जरा इसको लॉग इन कर लेता हूँ जल्दी से। अच्छा, ये है कि सेलर सेंट्रल में जो है वो इस तरह से जो है वो आपके सामने स्टोर शो हो रहा होता है, स्टोर का नाम होता है, ठीक है, और आपके पास मार्केट प्लेसेस होती हैं। अगर आपके पास अमेरिका मतलब यूएसए मार्केट प्लेस है तो आपको जो है ना वो एटलीस्ट तीन मार्केट प्लेसेस शो होंगी, एक कैनेडा होगी, एक मैक्सिको होगी और एक यूनाइटेड स्टेट्स होगी। बट अगेन आपका जो काम है सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स से है, सो यू विल ओनली क्लिक ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑप्शन एंड देन यू विल सिलेक्ट अकाउंट ऑप्शन, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर अब आपका एक स्टोर फ्रंट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको जो है ना वो सारी चीजें दिख रही होती हैं कि क्या आपकी सेल्स हो रही हैं, कितने ओपन ऑर्डर्स हैं, कितनी जो है वो आप लोग का बैलेंस है, और आईपीआई स्कोर आपका क्या, ये सारी चीजें। अभी आईपीआई स्कोर में ये वाली चीजें जो है ना वो थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, बिकॉज आई गेस बिफोर दैट यू गाइज हैव टू एटलीस्ट हैव इनफ नॉलेज अबाउट अमेजोन सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट, एंड देन उसके बाद ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मोस्ट लेफ्ट पे अगर आप बात करें तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें हमारे पास कैटलॉग है, इन्वेंट्री है, प्राइसिंग है, ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग, स्टोर ग्रोथ रिपोर्ट, परफॉर्मेंस, ऐप सर्विसेज, ब्रांड लर्न, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इन सब ऑप्शंस में से हम लोगों ने सब ऑप्शंस को यूज़ करना है, बिकॉज कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, तो ले वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं, उसके बारे में भी हम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप मोस्ट राइट पे आए तो ये कुछ ऑप्शन होते हैं, ये हेल्प के ऑप्शन का मतलब होता है कि आप समटाइम आप अपने अमेजोन से, अच्छा अमेजोन के साथ केस ओपन करना ना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अमेजोन की टीम जो है ना वो बड़ी समझ ले, उनसे अगर आपको बात करनी है तो प्रॉपरली फिर आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ता है, तो फिर ये है कि आप यहाँ से जो है वो प्रॉपरली उनसे हेल्प ले सकते हैं अगर किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। उसके अलावा ये सेटिंग का ऑप्शन होता है, इस सेटिंग के ऑप्शन में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, अकाउंट इन्फो, ग्लोबल अकाउंट्स, नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस, लॉगिन सेटिंग, रिटर्न सेटिंग, गिफ्ट ऑप्शन। अच्छा, ये सारे ऑप्शन जो है वो ऑब्वियसली मतलब आप लोग के लिए नहीं है, जो ऑप्शन है वो आप लोग सब सिर्फ देख लें कि अकाउंट इन्फो होता है, अकाउंट इन्फो में आपके अकाउंट की वो सारी चीजें नजर आ रही होती हैं जो जिस चीज पे एक्चुअली आपका अकाउंट रन कर रहा होता है, ठीक है। तो वो सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे शो होती हैं अकाउंट इन्फो के अंदर। अच्छा, अगर आपको ये देखना है कि आपका अकाउंट इंडिविजुअल है या प्रोफेशनल है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। मोस्ट अगर आप लेफ्ट पे देखें
नीचे तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज का ऑप्शन, इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल ऑन अमेजोन करंटली मतलब दिस अकाउंट इज प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। एंड अगर मैं इसको अगर ये इंडिविजुअल होता तो मैं इसको प्रोफेशनल भी कर सकता हूँ, और ये प्रोफेशनल है तो मैं इसको वापस इंडिविजुअल भी कर सकता हूँ। अच्छा, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल में आई एम एज्यूमिंग के ईच वन ऑफ यू एग्जैक्टली नोज के अमेजोन में इंडिविजुअल और प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी क्यों यूज होती है। इंडिविजुअल का मतलब होता है जब आप अकाउंट में प्रोफेशनली काम नहीं करना चाह रहे, एंड आप जो है वो प्रोडक्ट अभी अपलोड नहीं करना चाह रहे, आप जस्ट सिंपल जो है ना वो एक दो तीन प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके उनको ऑर्डर करके और बस एक चीज को समझना चाह रहे हैं, तो फॉर दैट पर्पस यू कैन ओपन इंडिविजुअल अकाउंट। बट अगेन इफ यू वॉन्ट टू सेल इन यूनाइटेड स्टेट्स और इन अदर कंट्रीज लाइक यूके और डिफरेंट कंट्रीज, देन यू शुड हैव एटलीस्ट प्रोफेशनल अकाउंट, बिकॉज प्रोफेशनल अकाउंट में आप लोग को आप लोग के पास एक्सेस होता है कि आप जो है ना इजिली एज मैनी प्रोडक्ट्स एज यू वॉन्ट आप जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, एंड देन आप उनको बेच सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती प्रोफेशनल अकाउंट में। सो फॉर अस प्रोफेशनल अकाउंट रिकमेंडेड है, इंडिविजुअल अकाउंट नहीं होता। एंड फॉर प्रोफेशनल अकाउंट यू विल बी नीडिंग LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जो मैं लास्ट सेशन में मोस्ट प्रोबेबली बता चुका था कि एक LLC आप सबको जो है ना वो जो भी अभी आप में बैठे हुए हैं सबको तो नहीं, बिकॉज कुछ होंगे जो एज अ VA काम करना चाह रहे होंगे, कुछ होंगे एज अ सर्विस जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, तो मैं ये उनके लिए बात कर रहा हूँ जो अपना स्टोर खोलना चाहते हैं। तो इनिशियली लाइक फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी विच इज LLC इन USA, ठीक है। LLC आप लोग को चाहिए होगी और उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, मिनिमम लाइक 1.5 मंथ लगता है LLC ओपन होने में, और मैं लास्ट ये कुछ बता चुका हूँ कि LLC जो है ना वो आप लोग जिसने अपना काम करना है वो LLC ओपन करवा ले, और वैसे हम लोग भी पर्सनली जो है वो LLC मेरी भी टीम ओपन कर रही होती है, तो इंशाल्लाह आप में से जिसने भी करना होगा दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उनको भी एज सुन एज पॉसिबल ये ओपन करा दूंगा। और फिर इसी इंक्यूबेशन में जब आपकी LLC ओपन हो जाती है देन हम आप लोग को जो है ना वो अपने स्टूडेंट्स के लिए जैसे होता है कि हम उनको एक प्रोडक्ट जो है वो लाइव करके देते हैं प्रॉपरली, जिसमें उनको जो है ना इनिशियली सेल्स ला के देते हैं उनके अकाउंट में। तो लाइक बेसिकली वी आर नॉट अ वर्चुअल असिस्टेंट बट वी डू दिस फॉर आर स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम उनको प्रोडक्ट हमारे पास अच्छे होते हैं तो हम सिंपली उनको प्रोडक्ट मंगवा के लाइव करके देते हैं और उनको सेल्स ला के देते हैं, ताकि उनका एक मोटिवेशन हो और फिर वो उनको एक साइकिल पता हो कि प्रोडक्ट को किस तरह से लाइव करना है, किस तरह से प्रॉपरली ऑर्डर करना है, देन उस पर वर्क कैसे करना है, ठीक है। तो LLC जिसने बनानी है वो जरूर अपनी LLC बना ले, टाइम वेस्ट ना करे, बिकॉज अगर ये इंक्यूबेशन 1 मंथ की है तो यू गाइज जस्ट हैव लाइक 1.5 और 2 मंथ्स टू स्टार्ट अमेजोन होलसेल, तो आप लोग जो है ना उससे पहले पहले ड्यूरिंग दिस कोर्स अपनी LLC कंप्लीट कर ले, ठीक है। और LLC जब आपके पास होगी तो यू कैन ओपन प्रोफेशनल अकाउंट, प्रोफेशनल अकाउंट जो है वो फिर उसमें ना आपको 3 मार्केट प्लेसेस मिल जाती हैं, amazon.com, amazon.ca और amazon.com.mexico, ठीक है। तो ये कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट होती है, इन तीनों स्टेट में आपका इन तीनों कंट्रीज में आप काम कर सकते हैं, एंड लाइक दे आर बेसिकली इन वन टेरिटरी विच इज नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये सब आते हैं ये तीनों, ठीक है। तो इस वजह से हमें तीनों मार्केट प्लेसेस शो हो रही है। अच्छा, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन रजिस्टर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अभी मेरा जो अकाउंट है दिस इज रजिस्टर्ड ऑन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन डिटेल्स, ठीक है। तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का मतलब क्या है, जब आपके लिए अमेजोन जो है ना वो आपके यूनिट्स शिप कर पिक पैक शिप कर रहा हो, मतलब जब भी ऑर्डर आए अमेजोन की टीम जो है ना वो आपके यूनिट्स को कस्टमर तक पहुंचाए, तो ये क्या होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जो कि आप लोग थ्योरेटिकल जो भी चीजें पढ़ी होंगी उसमें आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। अच्छा, जब आपका अकाउंट जैसे ही प्रोफेशनल हो जाएगा राइट अवे आपको यहाँ पे जो आपकी करंट स्टेट्स ऑफ लिस्टिंग है वो एक्टिव शो होना शुरू हो जाएगी। बट इन केस इफ योर अकाउंट इज इंडिविजुअल देन यहाँ पे ऑप्शन क्या शो होगा, इनएक्टिव, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू एक्टिव योर लिस्टिंग यू मस्ट एटलीस्ट हैव प्रोफेशनल अकाउंट, एंड इन ऑर्डर टू हैव प्रोफेशनल अकाउंट
देर इज एन LLC जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो जो है वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, पेमेंट इंफॉर्मेशन का ऑप्शन होता है अमेजोन, लाइक अमेजोन हैज टू डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस, फर्स्ट इज डिपॉजिट मेथड एंड सेकंड इज चार्ज मेथड। सो इन चार्ज मेथड अमेजोन क्या करता है, वो आपसे $40, अगर आपका इफ यू हैव प्रोफेशनल अकाउंट देन अमेजोन आपसे मंथली $40 चार्ज करता है, तो वो उधर इधर हमें चार्ज मेथड ऐड करना होता है, ठीक है, इस चार्ज मेथड में। तो यहाँ पे यू कैन ऐड योर पाकिस्तानी बैंक अकाउंट कार्ड विच इज लाइक अमेजोन कार्ड, और यू कैन इवन ऐड योर USA अकाउंट कार्ड, और मे बी इन UK और डिफरेंट कंट्रीज, बट इफ यू आर वर्किंग इन USA देन यू मस्ट हैव टू ऐड USA अकाउंट कार्ड, या फिर आप पाकिस्तानी अकाउंट कार्ड यूज कर सकते हैं चार्ज मेथड में। बट इन ऑर्डर टू गो विद डिपॉजिट मेथड, तो फिर आपको जो है ना जस्ट आपके पास ऑप्शन होता है क्या, USA का कार्ड लगाने का, ठीक है, अगर आप USA में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेजोन क्या करता है, अमेजोन जब भी आपकी पेमेंट, आपके यूनिट्स बिकेंगे, यूनिट सेल होंगे, तो अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन आपको इस डिपॉजिट मेथड के थ्रू आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करेगा। सो लाइक देर इज नो मेथड टू ट्रांसफर योर मनी फ्रॉम USA डायरेक्टली फ्रॉम USA बैंक टू पाकिस्तानी बैंक। यस, देर आर ऑप्शन लाइक पियोनियर और वाइज और डिफरेंट थर्ड पार्टी ऑप्शन, बट अगेन इफ यू वॉन्ट टू डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम बैंक टू बैंक देन दिस इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम USA टू पाकिस्तान। दैट इज वाई अमेजोन जो है ना हमेशा डिपॉजिट मेथड में USA का बैंक मांगता है, बट चार्ज मेथड में वो आपके चार्ज कार्ड से डायरेक्टली चार्ज कर लेता है जो भी आपकी पेमेंट होती है। तो ये दोनों आपने जो है वो ऐड करने पड़ेंगे ताकि स्मूथ जो है ना वो आपका प्रोसेस ऐड हो सके। अच्छा, इसमें बाकी ऑप्शन को आप छोड़ दें, ये इसमें इतना खैर कुछ नहीं है। बिजनेस इंफॉर्मेशन में अगर आए तो यहाँ पे बिजनेस एड्रेस आपको प्रॉपरली ऐड करना पड़ता है। अच्छा, ये चार्ज मेथड अगर मैं दिखा दूँ तो आपको दिख जाएगा कि अंदर सिंपल आपको बस चार्ज मेथड ऐड करना होता है, कार्ड ऐड करना होता है। देखिए, रिप्लेस, अभी मैंने कोई कार्ड ऐड किए हुए थे, आप न्यू कार्ड ऐड करना चाहे ऐड न्यू चार्ज मेथड या मैनेज चार्ज मेथड, इसमें से आप कुछ भी ऑप्शन यूज यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होता है, इसी तरीके से डिपॉजिट मेथड भी होता है। अच्छा, अगर बिजनेस एड्रेस की बात करूं तो बिजनेस एड्रेस में आपका वो एड्रेस यहाँ पे ऐड होता है, ये पहले से ही जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली अमेजोन आपका बिजनेस एड्रेस ऐड कर देता है, एंड योर बिजनेस एड्रेस विल बी द एड्रेस जो कि आपने अपनी LLC के लिए यूज किया, ठीक है, तो वो एड्रेस यहाँ पे आप लोग को अपना डालना पड़ेगा। तो इसलिए LLC देखें बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब आप प्रोफेशनली अमेजोन पे काम करना चाहेंगे तब, ठीक है। उसके बाद शिपिंग एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन में अगर आप आए, ये बाकी ऑप्शन जो है ये सब एड्रेसेस हैं, लीगल एंटिटी, मर्चेंट टोकन, मैनेजर, ब्रांड्स, डिस्प्ले नेम, ये सब ऑप्शन जो है ना प्राइवेट लेबल के होते हैं। सो यू गाइज हैव नथिंग टू डू विद दिस दीज ऑप्शंस, बस आपको जो है ना बिजनेस एड्रेस इसमें यूजली देखना पड़ता है बिजनेस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। और शिपिंग में आपको जो है ना रिटर्न एड्रेस ऐड करना पड़ता है, रिटर्न एड्रेस का मतलब है कि इन केस अगर अमेजोन आपका जो कुछ यूनिट्स हैं वो अगर आप चाहते हैं कि अगर वो लाइक कुछ यूनिट्स खराब हो जाते हैं तो अमेजोन आपको किस एड्रेस पे बेसिकली रिटर्न करे, तो वो एड्रेस एग्जैक्टली आपने यहाँ पे ऐड करना है, तो वो USA का एड्रेस ही होना चाहिए, और वो एड्रेस आप लोग यहाँ पे अपने उसमें ऐड कर देंगे। और शिपिंग सेटिंग में भी आप लोग को शिपिंग सेटिंग्स ऐड करनी पड़ती है, ये भी खैर ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट होता है वो डिफॉल्ट रहने दें, इसमें कोई चेंजिंग्स ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये डिफॉल्ट आपका जो है ना वो सिलेक्ट हुआ बहुत है सारे ऑप्शंस, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने जो है वो छोड़ देना, ठीक है। ये देखिए डिफॉल्ट में ये खुद अमेजोन सिलेक्ट कर लेता है कि कौन कौन से रीजन्स में उसको कितने डेज में उनको ट्रांजिट करना है, ये एक मैक्सिमम डेज होते हैं, लेकिन इससे कम डेज में वो जो है ना वो कर देता है, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट सर, स्टेट्स हैं जिसमें विस्कॉन्सिन है, इलिनाइस है, न्यू जर्सी है, ये सारे इन स्टेट्स में इनका जो है ना वेयर हाउस है USA के अंदर अमेजोन का, ठीक है। अच्छा, कुछ कोई कोई पूछ रहा था कुछ। LLC में इन्वेस्टमेंट कितनी आती है?
मतलब कितना खर्चा हो जाएगा एलएलसी अगर हम बनवाएंगे तो? अच्छा देखिए, एलएलसी के लिए ना, एलएलसी डिफरेंट डिफरेंट एलएलसीज अवेलेबल होती है मार्केट में, ठीक है। अगर आप यूएसए में एलएलसी बनाना चाहते हैं तो आपके पास ये सारी स्टेट्स हैं, ठीक है, ये उसमें आती है जो भी है कि वहाँ के सिटीज है, स्टेट्स है, इलोराइस है, विस्कॉन्सिन है, तो है ना, हर स्टेट के डिफरेंट चार्जेस हैं। डेलावेयर में सबसे सस्ती कंपनी बनती है, विच इज लाइक अप्रोक्सीमेटली $400। इस तक कैंटकी भी है, और ये भी, इनमें भी इतनी सस्ती बनती है। बट स्टेट्स दैट आर रिकमेंडेड वो है फ्लोरिडा और टेक्सास, ठीक है। वाई? क्योंकि इन स्टेट्स में आपको, ये एक बिजनेस स्टेट्स कहलाती है, और हम जब होलसेल करते हैं ना, तो हम इन फ्लोरिडा या टेक्सास वाली स्टेट्स में काम करते हैं। वाई? ये देखिए, ये फ्लोरिडा, ठीक है, और इसके अलावा टेक्सास, ये टॉप स्टेट्स हैं यूएसए की जहाँ पे आप जो है ना वो कंपनीज बना सकते। अच्छा, फ्लोरिडा और टेक्सास जो है ना, ये यहाँ पे क्यों? क्योंकि आपको मैक्सिमम ब्रांड के अप्रूवल्स इन स्टेट्स को मिलते हैं, इन स्टेट्स वाली कंपनीज को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा फायदा ये है कि इनकी बहुत मिनिमल टैक्स है, ईयरली जो टैक्स होता है और सेल्स टैक्स बहुत मिनिमल है, लाइक अप्रोक्सीमेटली लाइक 2 और 2.5% है। बाकी स्टेट्स में आपको एटलीस्ट 5 और 7% पे करना पड़ता है ईयरली टैक्स। अच्छा, इसके अलावा इनकी जो है ना वो ईयरली रिन्यूअल फीस नहीं है, मतलब टैक्सेस की नहीं है, फ्लोरिडा की है, ठीक है, फ्लोरिडा की है, बट बाकी स्टेट से कम पे करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हर साल आपको अपनी स्टेट को, अपनी एलएलसी को रिन्यू करवाना पड़ता है स्टेट से। तो टैक्सेस की अगर आप बनाते हैं तो फिर तो आपको रिन्यूअल की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आप फ्लोरिडा की बनाते हैं तो आपको $150 हर साल देना है और अपनी कंपनी को रिन्यू करवाना है। अगर आप बाकी डिलावेयर ले लें, तो डिलावेयर में सबसे बड़ा मसला क्या है, यहाँ ऐसी स्टेट्स में जो छोटी सस्ती हैं उनमें जो है ना वो आपको एक तो अप्रूवल नहीं मिलते ब्रांड के, होलसेल भी बड़े अच्छे से नहीं होता, दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा इधर जो है ना वो सेचुरेशन है इन मार्केट में, तो इन 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 जो है वो स्टेट्स में, क्योंकि हर, देखिए, हर बंदा सस्ती कंपनी के चक्कर में वो इन स्टेट्स में चला जाता है, और इसलिए बहुत यहाँ पे समय रश लगा हुआ है। तो हर यहाँ पे अगर आप यहाँ बनाते हैं तो अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम होती है, टैक्स बहुत हाई है, ईयरली रिन्यूअल है, आपको इसमें क्वार्टरली भी फायरिंग करनी है, ईयरली भी फाइलिंग करनी है, ये बहुत सारी स्टेट्स हैं। तो टॉप स्टेट्स फ्लोरिडा और टेक्सास, ठीक है। तो फ्लोरिडा और टेक्सास में आप जो है ना वो जो कंपनी बना सकते हैं वो लाइक तकरीबन जो है ना फ्लोरिडा और टेक्सास में $950 की, आपकी $950 की कंपनी बनती है। महंगी होती है आई नो, क्योंकि टेक्सास में आपको बॉन्ड भी चाहिए होता है, इसी तरह फ्लोरिडा में भी, लेकिन ये है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ये बहुत वर्थ इट होती है। मेरी अपनी टेक्सास में 2 कंपनीज है, इसके अलावा मैं जितने भी स्टूडेंट्स को बनवाता हूँ मैं फ्लोरिडा और टेक्सास में बनवाता हूँ, तो $950 होता है। अच्छा, मार्केट में मैंने लास्ट अभी सेशन हुआ था उसमें बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्लोरिडा और टेक्सास की जो कंपनीज है या दूसरी उसको ना बहुत सस्ता बना के देते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि हम जो है ना फ्लोरिडा की आपको जो है वो $400 में बना, $500 में बना के देंगे, टेक्सास की हम आपको $600 700 में बना के दे देंगे और 1 महीने में कंपनी बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि एलएलसी 1 महीने में बनना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, पॉसिबल कैसे है? देखिए, बना के मैं भी दे दूं, बट वो इलीगल होता है। इलीगल ऐसे कि मैं यूएसए के किसी सिटीजन का सोशल सिक्योरिटी नंबर लूंगा, SSN, और उसको मैं आपके नेम के अगेंस्ट यूज करके और मैं आपकी एलएलसी बना दूंगा, तो आपकी एलएलसी 1 महीने के अंदर अंदर बन जाएगी, बट फ्रंट पे आपका नाम होगा, बैक पे आईआरएस के पास जो डिटेल होंगी ना वो किसी और बंदे, क्योंकि इसका मतलब है आप जो ईयरली टैक्स भी पे कर रहे होंगे ना वो आपके नाम पे नहीं जा रहा होगा, वो उस बंदे के नाम पे जा रहा होगा जिसके नाम पे SSN है। तो इसलिए इलीगल बहुत सारे लोग बना देते हैं, तो इस चीज से बहुत बचना है। बाकी फ्लोरिडा और टेक्सास जो है ना वो मिनिमम 1.5 महीना लगता है कंपनी बनने में, इससे कम आपको कोई भी टाइम पीरियड कहता है तो आई डोंट थिंक सो कि इससे कम में, एक लीगल वे में कंपनी जो है ना इससे कम टाइम में बन सकती। तो आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन सी स्टेट में जाना है। बाकी अगर कुछ और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं टिल नाउ। नो सर, बस यही क्वेश्चन था एलएलसी के हवाले से इन्वेस्टमेंट का। ठीक है,
अच्छा ये है कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे हम लोग बिजनेस अकाउंट इन्फो के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग यूजली अपनी जो है ना वो बिजनेस मैनेजमेंट की जो सारी डिटेल्स है वो सारी यहाँ पे मैनेज हो रही होती है जो अमेजोन सेलर सेंट्रल की होती है, ठीक है। तो ये आपके सामने सब कुछ जो है ना वो डाटा अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन होती है कुछ के आपका टैक्स, अच्छा वैट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, ये यूके के लिए होता है, वैट हमेशा यूके के लिए होता है, ठीक है। और टैक्स इन्फॉर्मेशन और RFCID ये हमेशा यूएसए के लिए होता है, और ये आपकी टैक्स की इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी यहाँ पे डिटेल्स होती हैं वो सारी आपको इस टैक्स इन्फॉर्मेशन ऑप्शन में शो होती है। इंशाल्लाह जब भी वर्किंग करेंगे तो मैं आपको सारी डिटेल में चीज़ें भी दिखा दूंगा, सही है। अच्छा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बिफोर यहाँ पे इसको स्टार्ट करने बाकी चीज़ों को देखने से पहले मैं ज़रा इधर आ जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें आप लोग को ना कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं अभी आज के उस सेशन में बता देता हूँ आप लोग को। बाकी जो ऑप्शंस हैं माइट बी पॉसिबल हमें नेक्स्ट सेशन में कवर करने पड़े, क्योंकि स्टोर मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी पड़ती हैं, बिकॉज वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी तो आप तभी जो है ना वो स्टोर मैनेजमेंट सही से कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। अच्छा उसके बाद अगर हम स्टार्ट करें कैटलॉग से, तो अच्छा यहाँ पे मैं बता दूँ कि एज अ होल सेलर और मतलब आप FBA होल सेल कर रहे हैं तो देर आर सम ऑप्शंस दैट यू गाइस वुड बी यूजिंग, एंड फर्स्ट वन इज कैटलॉग, सेकंड इज इन्वेंट्री, थर्ड इज प्राइसिंग, फोर्थ ऑर्डर। ये चार ऑप्शन जो हैं ये तो यूज करेंगे आप। एडवर्टाइजिंग का आप ऑप्शन यूज नहीं करते बिकॉज दिस ऑप्शन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइवेट लेबल अकाउंट्स, क्योंकि आपको इसमें देखिए मार्केटिंग करनी पड़ती है, एंड इन होलसेल देर देर इज नो मार्केटिंग, ठीक है। तो आपको कोई मार्केटिंग होलसेल में नहीं करनी, दैट इज वाई एडवर्टाइजिंग ऑप्शन इज निगलेक्टेड, ठीक है। उसके बाद स्टोर्स है, स्टोर्स को भी छोड़ दें क्योंकि इससे हमारा कुछ नहीं है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसको भी आपने जो है वो हम यूज नहीं करेंगे। एडवर्टाइजिंग, स्टोर्स, ग्रोथ ये हम यूज नहीं करते। उसके बाद हमारा ऑप्शन होता है रिपोर्ट्स का, रिपोर्ट ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन आप लोगों ने जरूर यूज करना है और मैं इसके बारे में भी बताऊंगा डिटेल में। अच्छा देर इज वन ऑप्शन विच इज परफॉर्मेंस, जो के और आई वुड से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन। वाई? बिकॉज आपको यहाँ पे आपके अकाउंट की हेल्थ पता चलती है कि अभी आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड होने लगा है या नहीं होने लगा। सो बीइंग अ होल सेलर और बीइंग अ सेलर, यू गाइज हैव टू मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग अकाउंट हेल्थ ऑफ योर अकाउंट एवरी टाइम, ठीक है। वाई? क्योंकि आपको एटलीस्ट अपने अकाउंट की नॉलेज होती है कि मेरा अकाउंट अभी किस स्टेट पे है, और मे बी यू गाइज हैव टू लाइक स्टॉप सम थिंग्स जहाँ पे आपको जो है वो अमेजोन खुद से गाइड करेगा कि आपके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायोलेशन है या क्या चीज़ है, तो उसका थोड़ा ख्याल रखना है और सारी चीज़ें। तो ये अकाउंट परफॉर्मेंस ऑप्शन के अंदर पता चलता है, तो परफॉर्मेंस ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, बाकी तीनों ऑप्शंस आपने यूज़ नहीं करने। तो कैटलॉग है, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर्स, उसके बाद रिपोर्ट्स और परफॉर्मेंस, ये बस हम ऑप्शंस आप लोग होलसेल में यूज़ कर रहे होंगे तो इनको बड़े अच्छे से आप लोगों ने समझ लेना। अच्छा सबसे पहले अगर मैं आऊँ कैटलॉग के अंदर, तो कैटलॉग के अंदर देखें आपके पास ना डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे होते हैं। अगर मैं ऐड प्रोडक्ट में आऊँ ना और ऐड प्रोडक्ट पर अगर क्लिक करता हूँ तो आई विल बी एबल टू लिस्ट प्रोडक्ट और ऐड प्रोडक्ट, मतलब मैं आई कैन इवन ऐड प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट और आई कैन इवन ऐड होलसेल प्रोडक्ट ओवर हेयर, ठीक है, और फ्रॉम हेयर। तो आप दोनों प्रोडक्ट्स को यहाँ से लिस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग एक रैंडम एक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं Amazon, और उस प्रोडक्ट को हम लोग जो है वो मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से जो है हम लोग लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा ये दिस इज वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स जिन पे मैंने पर्सनली काम किया है, ठीक है, और इस पे मैंने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स पे सेल्स ली हैं। तो ये प्रोडक्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं, इन पे आप लोग जो काम कर सकते हैं। सो दीज प्रोडक्ट्स रिलाई अंडर द कैटेगरी ऑफ पेट सप्लाइज, ठीक है। तो पेट सप्लाइज जो है ना इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड कैटेगरी, बिकॉज आपको अगेन आपको पता है कि यूएसए में जो है ना बहुत लोग पेट्स रखते हैं, उनकी सप्लाइज करते हैं, तो इस वजह से जो है ना वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती हैं पेट सप्लाइज की। तो कुछ कैटेगरीज हैं, इंशाल्लाह ये मैं आपको बताऊंगा, उन कैटेगरीज में आपने ज़्यादा काम करना है, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होता है एक अच्छी सेल्स तक पहुँचने के लिए। तो मैंने इस पर बड़ी अच्छी सेल्स ली है, बड़ा अच्छा प्रॉफिट लिया है। अच्छा देखिए, आपको है ना कुछ भी काम करना है, सो लाइक इफ यू वॉन्ट टू शेयर योर प्रोडक्ट डिटेल विद योर क्लाइंट और विद एनी वन, देन देर इज पब्लिक कोड जो कि हमें जिसे हम क्या कहते हैं, एसिन कहते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो वी हैव एसिन ओवर हेयर, आप इसको कॉपी करेंगे। अब आपको अगर लिस्ट करना है, इफ आई एम पेस्टिंग एसिन यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब है कि मैं होलसेल कर रहा हूँ। अगर इफ आई एम सर्चिंग हेयर तो मैं मतलब होलसेल कर रहा हूँ, बट अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन एमेजॉन, दैट मीन्स आई वॉन्ट टू डू प्राइवेट लेबल, ठीक है। मतलब मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ जो अमेजोन पे बिकता ही नहीं है, तो फिर मैं एक प्राइवेट लेबल करना चाह रहा हूँ, बट वी आर नॉट डूइंग प्राइवेट लेबल राइट नाउ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग होलसेल के लिए हमने एक प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन पे अवेलेबल है एंड वी नो उसकी सेल्स मंथली जो है वो 128 यूनिट बिक रहे हैं, 82,000 उसका BSR है, प्रोडक्ट ओपन है, प्रोडक्ट इज गुड एंड आई डोंट नो द करंट प्रॉफिट राइट नाउ बिकॉज सोर्सिंग प्राइस इज नॉट मेंशन ओवर हियर। सो इन ऑर्डर टू डू दैट मेरे पास सोर्सिंग लिंक होना चाहिए जो कि जिसके थ्रू मैं जो है ना प्रॉपरली देख सकता हूँ। बाकी भी हम लोग चीज़ें इसमें इजीली कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आपको एड्रेस भी सिलेक्ट कर लेना है, मैं एक मिनट एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप यूएसए का ना कोड डाल लेंगे, कोई नहीं। अच्छा जब तक ये यूएसए का कोड ऐड होता है, तो ये है कि ये प्रोडक्ट जो है वो मैंने इसका एसिन ऐड कर लिया और मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ। सर्च पे मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए ये प्रोडक्ट विद डिटेल्स यहाँ पे मेरे सामने शो होने लग गए। सो इफ आई वॉन्ट टू लिस्ट दिस प्रोडक्ट देन देर आर सम स्टेप्स जो मुझे फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट अ कंडीशन, सो आई विल सेलेक्ट कंडीशन। सो आप लोग बीइंग अ सेलर यू हैव टू मेक श्योर कि आप हमेशा न्यू कंडीशन में सेल करोगे, यूज में सेल नहीं करोगे, ठीक है। तो आपने न्यू कंडीशन सेलेक्ट कर ली और सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर लिया। अब देखिए सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, क्लिक करने के बाद अमेजोन मुझे सारी वो डिटेल शो कर देगा जहाँ पे मैं क्लिक करके कुछ डिटेल्स डालकर और मैं इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट लिस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी वो आपके सामने करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड ये ओपन हो जाए। अच्छा ये देखें, अब ये उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल ओपन हो चुकी है और मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसकी सिर्फ कुछ डिटेल्स ऐड करके, सिंपली डिटेल्स ऐड करके और मैं डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो प्रोडक्ट की यहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑप्शन, मुझे अगर इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है सो मुझे कुछ डिटेल्स है जिनको फिल करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि कंट्रीब्यूशन SKU। अच्छा कंट्रीब्यूशन SKU का मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट का कोड होता है जो कि पब्लिक कोड नहीं होता है, प्राइवेट कोड होता है, ये आपके अपने लिए होता है। मैं अपने प्रोडक्ट का कोड रख सकता हूँ अदील 123, मतलब मैं कुछ भी कोड रख सकता हूँ। तो अब मैंने इस प्रोडक्ट को कुछ कोड दे दे रहा है जो भी मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने ये कोड दे दिया, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको एक कोड दे दिया विच इज SKU। SKU हम एक आप प्राइवेट कोड को भी कह सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऐड करनी है, ठीक है? प्रोडक्ट की क्वांटिटी, अच्छा अब आप कहेंगे कि यार मैं अभी करंटली तो इतने प्रोडक्ट्स ऑर्डर नहीं कर रहा, मैं तो कम बाद में ऑर्डर करूंगा, तो मैं कितनी क्वांटिटी ऐड करूं? तो यहाँ पे आप रैंडम स्टार्ट पे लिस्ट करने के लिए ना आप रैंडम कुछ भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लेट्स जस्ट सपोज मैंने 50 क्वांटिटी लिख दी, तो बस ये लिस्ट करने के लिए मैंने एक क्वांटिटी शो कर दी। यहाँ मुझे प्राइस लिखनी है, प्राइस आपने जो भी प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट की होगी वो आप लोगों ने प्राइस मेंशन कर देनी है। लेट्स सपोज मैं इसी प्राइस पे बेचना चाहता हूँ, 32.97 पे, तो आपने यही प्राइस जो है ना वो मेंशन कर देनी, ठीक है? अच्छा उसके बाद ऑफरिंग कंडीशन टाइप, प्रोडक्ट कौन सी कंडीशन में बेचना चाहते हो, तो आपने क्या सिलेक्ट करना है, न्यू सिलेक्ट करना है, बाकी ऑप्शन आपने सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है? क्योंकि अगर आप न्यू प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, तो लाइक देयर आर 95 और 98% चांसेस दैट यू विल गेट बाय बॉक्स, बिकॉज बाय बॉक्स की जो रोटेशन होती है ना वो हमेशा न्यू सेलर्स पे पहले होती है फिर यूज्ड में जाती है। तो न्यू सेलर अगर कोई एक भी बैठा हुआ है ना वो कभी भी यूज्ड वाले को बाय बॉक्स नहीं लेने देगा। तो यू मतलब आपको जो है ना वो ख्याल रखना है इस चीज़ का कि आपको हमेशा न्यू सेलेक्ट करना है। फुलफिलमेंट चैनल मैंने बताया था कि हम लोग खुद से अपना नहीं करेंगे, FBM नहीं कर रहे हम, हम लोग FBA कर रहे हैं, तो यू विल सेलेक्ट अमेजोन विल शिप दे एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज, ठीक है? ये करने के बाद आपने सेव एंड फिनिश कर लेना है। अब जब आप ये कर लेंगे तो आप अभी देखिएगा कि ये प्रोडक्ट जो है ना मेरा अब लिस्टिंग के करीब आ जाएगा। एक सेकेंड, अच्छा अब मुझे कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी है, जिसमें बोल रहा है बैटरी है, मैंने कहा नहीं। प्रोडक्ट रेगुलेशन इन्फॉर्म, इस प्रोडक्ट कंसीडर एट डेंजरस गुड और हैजर्डस मटेरियल रेगुलेटेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मैं इसमें भी बोल दूंगा नो, ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है? सबमिट कर देना आपने। अच्छा यहाँ पे ना इस प्रोडक्ट में एक मसला है कि इसका SKU ना मैंने ऑलरेडी, इस SKU से मैंने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ था, ठीक है? तो इसकी वजह से जो है ना ये प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हो रहा, बट अगर अभी ये SKU मैंने यूज ना किया होता तो आप डायरेक्टली जब मैं इस लिस्ट दिस FBA एंड सेंड टू अमेजोन पे क्लिक करता तो फिर होता क्या, होता ये कि मेरा प्रोडक्ट इन्वेंट्री में आके मैनेज ऑल इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पे आके शो होने लग जाता। अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से शो होता है। ये देखिए, ये मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए जो कि जिन पे मैं काम कर भी रहा हूँ, करता भी रहा हूँ और काम होता होता रहता है, ठीक है? तो ये आपके सामने शो हो रहा है, प्रोडक्ट से डिफरेंट ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है? तो इस पे जो है ना वो ऑब्वियसली इस तरह से जो है, अगर मेरा अभी ये लिस्ट हो जाता, ये वाला जो मैंने अभी प्रोडक्ट आपके सामने लिस्ट कर रहा था, तो वो कुछ इस तरह से आपको शो होता लिस्ट हुआ हुआ, जिसकी मैंने प्राइस भी ऐड कर दी, उसके बाद मैंने उसकी सारी डिटेल ऐड कर दी। तो ये यहाँ पे आके आपको शो, कहाँ पे शो होता है, इन्वेंट्री में जाते हैं तो मैनेज ऑल इन्वेंट्री के अंदर आपको आपका प्रोडक्ट शो होने लग जाता है, ठीक है? अभी वो अगर मैं प्रोडक्ट लिस्ट होता तो वो टॉप पे शो होता और फिर यहाँ पे आके लिस्ट हो जाता। अब यहाँ तक पता है क्या हुआ है, यहाँ तक अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये लिस्टिंग हो गई है तो मतलब कि आपका प्रोडक्ट लाइव हो गया है, नो। अभी तक आपने समझ लो एक अपनी दुकान में ना एक प्रोडक्ट की सिर्फ मार्केटिंग की है, उसकी पिक्चर लगाई है सिर्फ, अभी तक आपने उस प्रोडक्ट को ला के दुकान में नहीं रखा, ठीक है? तो इस लिस्टिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने प्रोडक्ट को सिर्फ एक पिक्चर लगा लगा दी है और अभी आपने उस पर काम करना है, इसको प्रॉपरली इस पर चीजें करनी है। तो इस चीज का जो है ना वो आपको पता होना चाहिए, सही है?